आज तो मैंने आपको बचा लिया, लेकिन हर बार इस तरह मैं आपको बचा ना पाऊं। झूठ चाहे क्यों ना 100 दरवाजों के पीछे हो, लेकिन एक न एक दिन उसका सच सामने आता ही। अगर आपके झूठ के बारे में ताऊ को पता चल गया ना, तो फिर क्या होगा ये तो आज आप देख ही सके। हाँ राजवीर, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं किसी और एहसास को महसूस कर रही थी। जिस तरीके से आज तुमने मेरी मदद की, मुझे मुझे लगा जैसे जैसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत है। पर इस भ्रम को तोड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू तो मैं आपका उस दिन बोलूंगा जिस दिन आप मैंने छोड़ के चले जाओगी इस घर। लेकिन अभी अगर आप चली गई तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जो भी हमारे घर वालों ने आप पे इतना भरोसा दिखाया वो टूट जाएगा, और टूट जाएंगे वो सब खुद भी। तुम्हें क्या करो राजवीर, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो तुम्हें तकलीफ होती है, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हारे घर वालों को परेशानी होगी। तुम ही बताओ कि इस मोड़ पे मुझे क्या करना चाहिए। आपके ये सब सवालों का जवाब तुम्हारे पास खुद के पास ना है। कभी इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक काम है जो हम कर सकते हैं, तुम अपने घर वालों से दिल्ली में नौकरी करने की बात करो, और दिल्ली जाकर अगर अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। और रहे घर वाले तो तुम उनसे कह देना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लाश तक नहीं मिली। तुम्हें बुरा लगा राजवी? ना, मैं तो यूं सुन के बुरा लग रहा है कि अब एक बार फिर से मरने झूठ बोलने के लिए बोल रहे। इतना सब हो जाने के बाद, इतना बड़ा नाटक करने के बाद फिर से, जब जानो कि मैं अपने घर वालों को झूठ बोलना मंजूर ना माने। तो राजवीर तुम्हारे पास यही दो रास्ते हैं, या तो मुझे यहां रखकर हमेशा के लिए तुम्हें झूठ ना बोलो, फिर एक और झूठ बोल हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने। पैसा तुम्हें लेना राजू। तो ठीक है मैडम जी, हमेशा हमेशा झूठ के चक्कर से अच्छा तो यही होगा कि एक बार सब झूठ बोल के खत्म कर दें। अब अगर ये झूठ बोलना ही है तो कल का इंतजार ही क्यों करना। बापू ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे थाल भर के लड्डू ढकेल गया बैठे बैठे। मैं रिकॉर्ड बनाऊं या रिकॉर्ड तोड़ूं, तेरे पेट में दर्द क्यों रहा है? तू भी बना रखती रिकॉर्ड? हाँ, पर तेरने होगा भी के? तू इंसान तो है ना? रमा, बापू ने क्यों दोष दे रही है भला? अरे लड्डू बने इतने बढ़िया थे, मैं खुद 10-12 खा गया। भाई साहब मारा देखो के ढोल बजे। देखो मने एक से लेके 10 तक गिनती आवे,
मैं 10 लड्डू 10 10 करके 10 बार खा चुका हूँ भाई साहब, और पेट अभी भी खाली सा हमारा। जामो थारी बड़ी बहन ने भी बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो प्रसाद उससे भिजवाया तुमने? अरे बापू, ऐसे माहौल में यो बात करनी जरूरी थी? भाई गलती हो गई, मैं अपने लफज वापस ले लेता हूँ। अच्छा ये वो बता श्यामू, कि थारी बहन जब ब्याह होके आवेगी तो उसने यहाँ रखेगा या उसने उसका ससुराल भेजेगा? आप सब लोगों से कुछ बात करनी से। हाँ हाँ बोल बेटा। दरअसल बात यह है ताऊ कि मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया से। बिल्कुल वैसी जैसी हमेशा से मैं चाहूं। के बेटा पर नौकरी दिल्ली में है और हमें वहीं जाके रहना पड़ेगा। दिल्ली में रह के नौकरी करने की क्या जरूरत है भाई? भाई साहब, राजवीर को आपने जो सिंगापुर भेजा था ना ट्रेनिंग के लिए, शायद उस ट्रेनिंग की वजह से इसने दिल्ली में नौकरी मिली से हो। मेरे ख्याल से इसको भेज देना चाहिए। ना जी, सीने में दिल से क्या पत्थर लिए घूम रहे हो तुम? घर से भेज दोगे छोरे ने इतने दूर? मैं बोल रही हूँ जी, मैं ना जान दूंगी इसने कहीं भी। तू मत जान दी इसने कितने भी। अरे होशियार की बहू, पहले चुप कर और हमारी बात सुन। मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाह रही, पर जहां तक राजवीर की बात है तो उस पे पूरा भरोसा है। मैंने हमने जब जब जितनी आजादी दी है कि जा भाई जो जी चाहे कर ले, तब तब उतनी जिम्मेदारी दिखाई है इसने। जब विदेश भी गया था यो, वहां भी इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम में से किसी की नजरें नीची हो जाए। हमारे हर वचन को पूरी जिम्मेदारी से निभाया इसने। तो भाई देख, मैं तो यही कहूंगा कि अपने आंसुओं को थोड़ा संभाल और राजवीर को अपने जीवन में कुछ करने का मौका दे। समझ रही ना हमारी बात? तो भाई मैं तो राजवीर की जो इच्छा पूरी करने को तैयार हूं, पर मारी एक शर्त है भाई।